नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 780वां एपिसोड। आज 21 अक्टूबर की तारीख हो गई है। रोज की तरह आज भी आईपीएल के हवाले से टी20 वर्ल्ड कप को लेकर दिन भर की 10 बड़ी खबरें परोसने वाले हैं। केकेआर के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, दिक्कत बढ़ गई है वेंकी अय्यर को लेकर, सब बताएंगे, वर्ल्ड कप पर भी बात करेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तमाम रिपोर्ट सबसे पहले लाते हैं, आपको पता ही, लाइक और शेयर तो आप करते ही, चैनल को भी आगे नीचे से सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कहीं बटन होगा आपको पता है, और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के हवाले से, रोहित शर्मा भैया यहां पर पूरी तरीके से इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए अपनी तैयारियों पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जो कि लेफ्ट आर्म पेसर से उनसे लड़ने के लिए, लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ रोहित शर्मा और केएल राहुल ने खूब प्रैक्टिस की। दरअसल आपको बता दें कि 23 तारीख को भारत पाकिस्तान का महामुकाबला होने वाला है। आज 21 हो गई है, परसों मैच है, तैयारी कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो यार, पाकिस्तान के खिलाफ तो मैच होगा ही, लेकिन नेदरलैंड्स भी पहुंच गया है और इंडिया पाकिस्तान के ग्रुप में ही नेदरलैंड्स क्वालिफाई किया है सुपर 12 के लिए। 27 अक्टूबर को भारत नेदरलैंड्स के खिलाफ मैच खेलने वाला है। कोई कठिन मैच भारत के लिए होगा नहीं, पेस बॉलिंग अच्छी है नेदरलैंड्स के पास, ऑलराउंडर्स अच्छे हैं। देखते हैं ये मैच किस रुख पर जाता है। इंडिया को अपनी फुल टीम उतारनी चाहिए इस मैच में भी। हाँ, इंडिया पाकिस्तान मैच में बहुत मजा आने वाला है। कमेंट बॉक्स में प्लेइंग 11 बता दो, आपके हिसाब से कैसी रहेगी पाकिस्तान के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11, और किन खिलाड़ियों को नहीं मिलना चाहिए मौका, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। देखते हैं किसकी करेक्ट प्रिडिक्शंस बैठती, कमेंट बॉक्स नीचे लिखकर अपनी अपनी प्लेइंग 11 बताओ। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। मुंबई इंडियंस के लिए शायद दिवाली से पहले ही दिवाली हो गई है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर रिटर्न कर गए हैं। जोफ्रा आर्चर की वापसी हो गई है और 2023 से वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अवेलेबिलिटी शो कर देंगे, मतलब वो पूरा आईपीएल उपलब्ध रहने वाले। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी इस समय मुंबई के फैंस के लिए, क्यों? क्योंकि बुमराह चोटिल है और बुमराह की जो शूज ले सकता है वो आर्चर। हालांकि कहा जा रहा है कि आईपीएल 2023 तक बुमराह और आर्चर दोनों ही फिट हो जाएंगे और ये मुंबई को बहुत खतरनाक टीम बना देगा। पिछले आईपीएल में जो दिक्कतें थी मुंबई की, वो सॉल्व हो सकती है इससे। आर्चर वापस आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप खुश हैं दुखी हैं, कमेंट बॉक्स नीचे लिखकर बताइए, आना चाहिए था नहीं आना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों से बात करते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान एशिया कप जो पाकिस्तान में होने वाला है, जय शाह ने मना कर दिया है कि इंडिया वहां जाएगी। अच्छा, ये जो फिएस्को क्रिएट हुआ है एशिया कप को लेकर, इसका फायदा आइसलैंड का क्रिकेट बोर्ड उठाना चाहता है, क्योंकि कल आइसलैंड क्रिकेट बोर्ड ने आधिकारिक बयान ट्विटर पर जारी कर इंडिया पाकिस्तान नहीं पूरा एशिया कप आइसलैंड में होस्ट करने की डिमांड रख दी। उन्होंने कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, आप आइसलैंड में आकर खेल सकते हैं। आइसलैंड एक आर्कटिक कंट्री है और अभी तक भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमें आर्कटिक कंट्री में जाकर क्रिकेट नहीं खेली है, तो यहां से जो आर्कटिक कंट्री है वहां पर खेलने का अलग लेवल का एक्सपीरियंस होने वाला है। आर्कटिक कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जहां पर 12 महीने बर्फ जमी होती है पूरी कंट्री में, तो उस व्यू में, उस पिच पर, वहां पर क्रिकेट कैसा होगा? एशिया कप जरूर वहां पर होना चाहिए। मैं तो तैयार हूं, मैं तो रेडी हूं, मैं तो चाहता हूं। अगर आप भी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की हमसे यहाँ से बात करते हैं। पंजाब किंग्स को मिल गया है नया कोच। दरअसल पंजाब किंग्स की टीम ने कल अपने असिस्टेंट कोच की घोषणा कर दी। पंजाब किंग्स की पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक के लेवल में चेंजेस हो रहे हैं। अनिल कुंबले तो गए ही थे, ब्रैड हेडन को इनका असिस्टेंट कोच बना दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के ब्रैड हेडन जो कि बड़े प्लेयर रहे, आईपीएल में भी लंबी इनिंग्स खेली, दिल्ली की तरफ से भी खेले, पंजाब की तरफ से बैटिंग भी करी, बाद में ब्रैड हेडन कमेंटेटर बन गए, लेकिन अब इस बल्लेबाज की एंट्री एज असिस्टेंट कोच पंजाब किंग्स की टीम में हो गई है। लगभग 1 करोड़ रुपए में ये कोचिंग की डील हुई है और इस डील के लिए तो जरूर एक लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे बात करते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की। तो वीरेंद्र सहवाग ने कर दी है कुछ प्रिडिक्शंस और ये प्रिडिक्शन सचमुच आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। टी20 वर्ल्ड कप में कौन बनाएगा सबसे ज्यादा रन, इस पर वीरेंद्र सहवाग का बयान आ गया। वीरेंद्र सहवाग ने कह दिया कि वार्नर इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाएंगे। वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि विराट कोहली और बाबर आजम इस लिस्ट में आगे भागेंगे, सूर्या यादव भी इस लिस्ट में आगे भागेंगे, लेकिन कंडीशंस को रिस्पेक्ट देते हुए वार्नर इस रेस को जीत सकते हैं। वीरेंद्र सहवाग की भविष्यवाणी से आप कितना सहमत है कॉमेंट बॉक्स में बताइए। आपके हिसाब से इस वर्ल्ड कप में कौन बनाएगा सबसे ज्यादा रन, कॉमेंट बॉक्स नीचे
लिखकर बता दो। आगे बढ़ते हैं सातवीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों, यहां से बात करते हैं। तो केकेआर को लग गया है बड़ा झटका ट्रेडिंग रिटेंशन से पहले। केकेआर के साथ जो हुआ है वो सचमुच इन्हें बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर देगा। पिछले साल इन्होंने बड़े प्लेयर्स लिए थे, इंडियन प्लेयर्स रिटेंशन की थी, वेंकी अय्यर की, श्रेयस अय्यर को इन्होंने लेकर आए थे, लेकिन ये बॉन्ड टूट सकता है क्योंकि अय्यर शायद अगला आईपीएल ना खेले। अय्यर शहीन मुश्ताक अली ट्रॉफी में बुरी तरीके से इनका जो एंकल है वो ब्रोक हो गया, टूट गया है और वो शहीन मुश्ताक अली ट्रॉफी से बाहर हो गए। केकेआर ने पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। रिपोर्ट्स ये है कि इनकी इंजरी इतनी गंभीर हो सकती है कि ये अगले साल का आईपीएल से बाहर हो जाए। तो ट्रेडिंग रिटेंशन छोड़ो, इस समय केकेआर का सिरदर्द बन गए हैं वेंकी अय्यर, क्योंकि अगर अय्यर बाहर हुए तो इनकी जगह कौन लेगा। देखो यार, फॉर्म में बेशक ना हो, आपके चक्रवर्ती भी उस तरह के फॉर्म में नहीं दिखी टीम फॉर्म में, लेकिन जगह कौन लेगा क्योंकि आपके पास विकल्प भी नहीं है। अगर आप इन जैसे अय्यर को मान लीजिए पिछले साल फॉर्म में नहीं थे, बाहर भी करते हैं तो उनकी जगह लेने वाला कोई नहीं है। अब चोटिल हो गए तो केकेआर किसको लाएगा, तो बड़ा सवाल है। नीलामी से पहले यहाँ पर केकेआर के अराउंड सवाल पैदा हो गए। अब बताइए आप जरूर कि अय्यर के चोटिल होने से किन किन टीमों को फायदा है और केकेआर को कितना नुकसान है, कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नौवीं बड़ी रिपोर्ट की कर लेते हैं बात। श्रीलंका कर गया है क्वालिफाइड। जी हाँ, श्रीलंका क्वालिफाइड कर गया है और अभी ग्रुप इनके डिसाइड नहीं है कि सुपर 12 में किस ग्रुप में जाएंगे, बट लंका के क्वालिफिकेशन के बाद अब दो टीमें ऐसी हैं जो बची हुई हैं। दो टीमें नेदरलैंड्स और श्रीलंका क्वालिफाई कर गई। हमने प्रेडिक्शंस की थी कि आयरलैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, ये तीन टीमें तो 100% क्वालिफाई करने ही वाली है। आप बताइए अब कौन कौन कर सकता है क्वालिफाई, कौन कौन नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से बात करते हैं दिन भर की दसवीं बड़ी खबर की। तो जाहिर खान ने T20 वर्ल्ड कप से पहले बड़ी प्रेडिक्शन की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भी भारत हराएगी मेरे हिसाब से और भारत फाइनल में पहुंचकर जीतेगी। तो जाहिर खान तो सब कुछ पूरी पूरी बैकिंग कर रहा है इंडिया की, लंबी जाने वाली इंडिया। आपको क्या लगता है कहां तक देखते हैं आप इंडिया को, कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर बता दीजिए। तो ये थी दोस्तों दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इनमें से कौन कौन सी खबर आपको अच्छी लगी। हाँ, अपना सवाल भी पूछिए। जितनी भी मैंने वीडियोस आपको आपकी जो न्यूज़ बताई है उससे जुड़ी हुई आपकी क्या राय है और सबसे अच्छी न्यूज़ क्या लगी आपको, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।